हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम एक्सरसाइज 5.1 की जो प्रॉब्लम्स बची हुई हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पिछली जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर ली होंगी, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वे आर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्व टू 3 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्व टू 0 एंड लेस देन इक्व टू 1, एफ एक्स इक्व टू 4 इफ एक्स ग्रेटर देन टू 1 एंड लेस देन टू 3, एंड एफ एक्स इक्व टू 5 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्व टू 3 एंड लेस देन इक्व टू 10। तो वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 टू 10। लेट्स सी वी एनी पॉइंट इन द इंटरवल 0 टू 10। सो केस फर्स्ट, इन केस फर्स्ट वी कैन टेक सी वी एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन इक्व टू 0 एंड लेस देन 1। हियर इफ सी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 देन अकॉर्डिंग टू फंक्शन एफ एक्स इक्व टू 3। सो इफ वी यूज सी इन प्लेस ऑफ एक्स, एफ सी इक्व टू 3, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 3 एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज ऑल्सो 3 बिकॉज एफ एक्स इक्व टू 3। सो इफ यू वैल्यूएट एट सी, सिंस इट इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, सो इट बिकम 3। हियर लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, so f is continuous in the interval 0 to 1 which is close at 0. If you don't want to find limit of the function and value of the function, then in that case you can see that if x greater than equals to 0 and less than 1, then for all the values value of function is 3, which is a constant function, and constant function is always continuous in its domain. So you can say that the function is continuous in its domain. So जो आपको ठीक लगे, आप लोग इसको वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन से अगर करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो, सिंस इट इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। केस सेकंड, इफ सी इक्व टू 1, सी इक्व टू 1 तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 1 पर ये आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा है। लेस देन इक्व टू 1 के लिए एफ एक्स का वैल्यू 3 है, और ग्रेटर देन 1 के लिए एफ एक्स का वैल्यू कितना है आपका 4 है। तो यहाँ पर आप लोगों को वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालना होगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी इक्व टू 1, जब सी का वैल्यू 1 है, सी आपका किसके प्लेस पर यूज हो रहा है, एक्स के प्लेस पर, तो इफ सी इक्व टू 1 देन वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 3। सो एफ 1, यू कैन राइट इट एफ 1 इक्व टू 3। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्व टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब आपका 1 माइनस h विच इज लेस देन 0। इफ इज लेस देन 0 देन एफ एक्स इक्व टू 3, एफ एक्स इक्व टू 3, सो वी पुट 3 इन प्लेस ऑफ एफ एक्स एंड वेन वी कैलकुलेट इट वी गेट 3, द लेफ्ट हैंड लिमिट इज 3। एंड फॉर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस 1 प्लस एच
which is greater than 0. So we have fx equals to 4. So we put 4 in place of fx, and when we calculate it, we get 4. In this case, we observe that the left hand limit and right hand limits are not equal. So f is not continuous at x equals to 1. In case third, if c lies between 1 to 3, if c lies between 1 to 3, then fx equals to 4, which is a constant function. So you can write the constant function is always continuous in its domain. So it is continuous if c lies 1 to 3. Next case, if c equals to 3, if c equals to 3, then we have fx equals to 5. So the value of function is 5. And the left hand limit? The left hand limit is 3 minus h, which is less than 3. If it is less than 3, then function is 4. So when we evaluate at the limit x equals to 3, we get 4. And right hand limit 3 plus h, which is greater than 3. So we have fx equals to 5. So right hand limit is 5. Here we observe that left hand and right hand limits are not equal. So fx is not continuous at x equals to 3. Now, in the next case, if c is greater than to 3 and less than equals to 10, in this case, we have fx equals to 5, which is a constant function. If it is a constant function, then constant function is always continuous in its domain. So it is continuous in the interval 3 to 10, which is closed at 10. Here f is not continuous at 1 and 3. So 1 and 3 are the points of discontinuity. Now you can solve question number 15 on the same way. You can see it. You have to discuss the continuity of the function only at 0 and 1, and other intervals. In other case, you can write here we have polynomial function, zero function, constant function, which are always continuous. So you can write directly. Otherwise, if you want, you can solve it. Question number 16, same condition, you have to discuss at minus 1 and 1, and in other case, you can write directly. The constant function and polynomial functions are continuous, so it is continuous. Now we discuss question number 17. Find the relationship between a and b so that the function f defined by fx equals to ax plus 1 if x less than equals to 3 and bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x equals to 3. So since the function is continuous at x equals to 3, then value of function, right hand limit and left hand limit, all three are equal. This is left hand limit, right hand limit and value of function. So first of all, left hand limit, तो हम लोग जो continuity discuss कर रहे हैं वो 3 पर discuss कर रहे हैं, तो 3 minus fx, 3 minus means 3 minus h, you can say it 3 minus h, which is less than 3. If it is less than 3, then fx equals to ax plus 1, x tends to 3, so you can write 3 in place of x, so it is 3a plus 1. And right hand limit, in right hand limit, we have to write 3 plus h, which is greater than 3, so the function is bx plus 3. We evaluate it at x equals to 3, so we have 3b plus 3. So we have left hand limit 3a plus 1, right hand limit 3b plus 3.
and value of function, if x equals to 3, then value of fx is ax plus 1, तो f3 आपका हो जाएगा 3a plus 1, so it become 3a plus 1. Now we equate left hand limit, right hand limit and value of function, so we have 3a plus 1, 3b plus 3 and 3a plus 1. We evaluate any two terms, 3a plus 1 equals to 3b plus 3, so 3a equals to 3b plus 2, so a equals to b plus 2 by 3, so this is the required relationship, a equals to b plus 2 by 3. You can write it also as 3a minus 3b equals to 2, ये भी आप लिखोगे तो भी एक relationship है. तो चलिए question number 18 देख लेते हैं. For what value of lambda function defined by fx equals to lambda x square minus 2x if x less than equals to 0 and 4x plus 1 if x greater than 0. Continuous at x equals to 0, what about continuity at x equals to 1? So fx equals to lambda x square minus 2x if x less than equals to 0 and 4x plus 1 if x greater than 0. Now, if f is continuous at x equals to 0, then left hand limit, right hand limit and value of function, all three are equal. So, limit x tends to 0 minus lambda x square minus 2x. अब यहाँ पर आप लोगों ने x square minus 2x क्यों लिखा fx का value? Because 0 minus h, हम लोगों ने right hand limit find किया है, तो 0 minus h आपका 0 से smaller है. तो 0 से स्मॉलर के लिए fx का वैल्यू है आपका लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x. इफ 0 प्लस h व्हिच इज ग्रेटर देन 0, देन fx इक्वल्स टू 4x प्लस 1. सो दिस इज 4x प्लस 1. एंड इफ x इक्वल्स टू 0, देन fx इक्वल्स टू लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x. हम लोगों ने x का वैल्यू रख दिया 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 इनटू 0. लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 पर इवैल्यूएट किया लिमिट को, तो 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये 4 इंटू 0 प्लस 1, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो 0. व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट 0 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल. 0 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, सो देर इज नो वैल्यू फॉर विच एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0. मतलब लैम्डा का ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस हो. At x equals to 1, if x equals to 1, then fx equals to 4x plus 1 for all three condition, left hand or right hand. जैसे हम लोग 1 plus भी करेंगे तो भी value 1 से तो बड़ा होगा, लेकिन 0 से भी बड़ा होगा. अगर 1 minus h करेंगे left hand limit के लिए, तो 1 से तो छोटा होगा but 0 से बड़ा होगा. क्यों? क्योंकि h आपका very 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 small number, so it is always greater than to 0. So we evaluate limit of the function and value of the function. The value of the function at 1, 4 into 1 plus 1 equals to 5. And limit of the function, यहाँ पर आपको left hand और right hand calculate करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि function 1 पर break नहीं हो रहा है. So limit and value of the function at 1, both are equal. So for any value of lambda, f is continuous at x equals to 1. मतलब lambda की किसी भी value के लिए function x equals to 1 पर क्या है आपका? Continuous है. तो चलिए आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में.